हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, तो सर कीबोर्ड के अंदर कैसे हम कैमरे को एक स्टेबल रख के वीडियो बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर आपके सभी क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए और देखिए, मैं जो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आपका क्वेश्चन यह था कि सर आप ये जो डिस्प्ले पे ये जो आते हैं इसको आप कैसे ऐड करते हो। तो सिंपल है, आप F4 प्रेस करोगे तो आपका ये डिस्प्ले से हाइड हो जाएगा, और फिर से आप प्रेस करोगे F4 को तो ये फिर से हो जाएगा। इसके अंदर ये जो जितनी भी चीज़ें हैं आप इसको हाइड करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ब्रेक के बारे में बताता हूँ। ब्रेक जो इंटर के पास वाले जो दो की आती है डबल डॉट वाली, आप ध्यान से देखना, इंटर और इंटर एल जो बटन आता है एल के लाइन के अंदर, इंटर दोनों के बीच में दो बटन आते हैं। उसके बाद जो डॉट होते हैं, डबल डॉट होते हैं, वो उनसे क्या ये ब्रेक, ये देखिए ये मैंने डाउन किया और ये मैंने प्रेस किया, तो ये इनसे काम होता है। तो उसके बाद हम आते हैं इसके रिवर्सर पे, थ्रॉटल पे आते हैं, रिवर्सर और फॉरवर्ड पे आते हैं। तो आप S जो आपके कीबोर्ड के अंदर जो WS जो बटन है WS, तो S करोगे तो आप ये रिसीवर में चला जाएगा, और W आप करोगे तो ये फॉरवर्ड में चला जाएगा। तो आप इससे ऊपर नीचे फॉरवर्ड, आपको बैक या आगे चलाना है ट्रेन को, तो W और S का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आते हैं एसिलेटर, जो हम एसिलेटर बनाते हैं, ये देखिए ये हम A और D, ये दोनों से D से ये नीचे जाता है, S A से ये ऊपर आता है, और D प्रेस करोगे तो ये नीचे जाता है। उसके बाद आता है कि कैमरा एंगल, ये तो हो गए हमारे बटन जो हमें इस्तेमाल करने वाले जो बटन होते हैं। अब कैमरा एंगल क्या होता है, एक से लेके आप आठ तक आपको ऊपर जो F1 F2 के नीचे जो नंबर आते हैं, एक से लेके नौ तक है, दस तक है, जीरो तक है। तो आप एक नंबर प्रेस करोगे तो आप देखो, एक मैंने एक नंबर प्रेस, इसको हम हटा देते हैं, हाइड करते हैं, मैंने एक नंबर मैंने दबाया, मैं ट्रेन के अंदर आ गया। देखो ये ट्रेन के अंदर आ गया, ट्रेन के अंदर मैं कुछ भी जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ ये देखिए, और अब मुझे ट्रेन के बाहर जाना है तो मैं ये ट्रेन के बाहर आ गया। ये ट्रेन के बाहर अब मैं कैसे आया, दो नंबर की दबाने से। उसके बाद मैं तीन नंबर की दबाऊँगा तो देखिए मैं पीछे आ जाऊँगा, मतलब एकदम पीछे आ जाऊँगा। ये देखिए मैं एकदम पीछे आ गया, इस तरफ एक ट्रेन यहाँ पर खड़ी है और एक ट्रेन हमारी यहाँ पर खड़ी हुई है। मैंने ट्रेन को रोक के इसलिए वीडियो बनाया ताकि ये ट्रेन को मैंने बंद कर दिया है, ये गार्ड है, गार्ड कोच है, तो मैंने ट्रेन का इंजन को एकदम ऑफ कर दिया है ताकि आवाज़ अच्छे से समझ में आए। तीन नंबर दबाने से ये देखिए मैं इधर आ गया, माउस से आप ये जो मैं माउस से इधर उधर कर रहा हूँ आपको पता है माउस से इधर उधर होता है। फिर मैं चार नंबर प्रेस करूँगा तो चार नंबर, ये क्या है, ये एंगल, ये कैमरा एंगल है जो हम चार नंबर दबाएंगे तो ये ट्रेन हमें यहाँ से जाते हुए दिखाई देगा, तो ये ट्रेन यहाँ से जाती हुई दिखाई देगा। तो पाँच नंबर दबाने से क्या है, हम कोच के अंदर आ जाएंगे। कोच के अंदर आने के बाद ये देखिए मैं कार कोच के अंदर हूँ, तो आपको और आगे जाना है तो आप सिंपल सा बटन दबा के, यहाँ पे आपको दो बटन दिख रहे हैं, आप यहाँ पे जो शो करोगे तो आपको ये दो बटन दिख रहे हैं, तो आपको जैसे आप आगे पीछे करोगे हर आप कोच के अंदर आप जाते रहोगे जहाँ पे आपको जाना है। तो ये तो हो गया आप, चलो ठीक है। अब हम जाते हैं छः नंबर पे, तो छः नंबर क्या है, आपके सामने का कैमरा आता है जो फ्रंट का ऊपर का कैमरा आता है। सात नंबर से ये ऊपर से दिखाता है, ये देखिए हमारी ट्रेन, और आठ नंबर ये आता है फ्री कैमरा, इसको फ्री कैमरा बोलते हैं। आठ नंबर आप दबाओगे तो ये फ्री कैमरा है जो आपको पता है, ये मैंने देखो फ्री कैमरा, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किधर भी इधर उधर जहाँ मुझे जाना है। ये देखो आठ नंबर दबाने के बाद मैं फिर स्टेशन के ऊपर आ जाऊँगा, और ट्रेन हमारी कहाँ पे है, और ये हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। देखो मैं आठ नंबर दबा रहा हूँ, आठ नंबर से मैं, ये फ्री कैमरा है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हो गया और यहाँ खड़ा हो, ओके मैं चाहूँगा कि यहाँ से ये पूरी ट्रेन यहाँ से निकल जाए और ये कैमरा यहीं रहे, तो आठ नंबर आप दबाओगे, इसको ऐड कर दो, और F5 से क्या आपको ऊपर ये जो नंबर है इधर
ये F5 से आपको F5 दबाओगे उससे होगा, और F6 से क्या है हमारा जो लोकोमोटिव है वो उसका जो नाम है वो सो होता है F6 से होता है, तो ये भी आपको पता है। ये मैंने सब चीज़ आपको बता दी। अभी ये मैं फ्री कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी तो ये ट्रेन का जो इंजन है हमारा, ये ट्रेन का इंजन ये ऑफ है, तो हमें इसे ऑन करने के लिए मैंने इसको ऑफ कर दिया। ऑन कैसे करेंगे, ये वाला की आपको दिख रही होगी, मैं इसको प्रेस करता हूँ, देखिए यह इमरजेंसी है, ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक, या इमरजेंसी ब्रेक है, जैसे कोई चेन पुलिंग कर देता है उस तरीके से। तो ये देखिए इंजन हमारा स्टार्ट हो चुका है। गाइस क्या साउंड आ रहा है इसका, बहुत ज़बरदस्त। ये आपको ये कैबिन 2 के अंदर हम हैं, देखिए ये मेरा कैमरा, मैं एक बार फिर मैं आगे जाता हूँ, और यहाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे ये सीन, यहाँ से मुझे सीन कनेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ से मैं चाहता हूँ यहाँ से ये ट्रेन मुझे बनाना है, तो ये कैमरा 8 को आप दबा के इधर कर दो, फिर आप धीरे धीरे स्टेशन इंजन, ये आपको 8 वे बटन दबाओगे तो ये धीरे धीरे ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी। अभी देखिए ट्रेन हमारी जा रही है, कोई बटन शो नहीं हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। मैं 1 को प्रेस कर रहा हूँ, अगर स्पीड ज़्यादा हो जाए तो आप D को प्रेस कर सकते हो, अगर और ज़्यादा स्पीड को आप रोकना तो फिर ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी देखिए मैं इसको ब्रेक लगा दूँगा, यहीं रुक जाएगी। ये देखिए कोई बटन शो नहीं हुआ, फिर मैं रिलीज कर रहा हूँ ब्रेक को। ये आपको एक बार होगा फिर आपका ये सब कुछ सेट हो जाएगा। ये देखिए मैंने ब्रेक को रिलीज़ कर दिया है, आवाज़ आपको ब्रेक की आवाज़ भी आ रही है, ट्रेन फिर से चल पड़ी है। कैमरा ये रहेगा, ट्रेन निकल जाएगी पूरी, आप ये देखिए। ये देखिए ये ट्रेन जा चुकी है दोस्तों, और ये देखिए ट्रेन जा चुकी है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी और हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए, और भी अगर आपको कोई अगर प्रॉब्लम होती हो, अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं कमेंट्स का लाजमी जवाब देता हूं। और आप वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल पर दोस्तों हर तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी, डाउनलोड से रिलेटेड कोचेस को, इंडियन एड ऑन हो, इंडियन रूट हो, कैसे और सिनेरियो कैसे बनाते हैं। आपको एक ट्रैफिक चाहिए कि मेरी ट्रेन चली और साथ में और ट्रेनें आ रही जा रही है, तो वो सिनेरियो बनाना पड़ता है, तो वो सिनेरियो मैंने भी उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के इसके ऊपर डाली हुई है। तो आपसे विनती है कि चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को भाई, चैनल को मुझे 5 से 6 महीने हो गए चैनल को बनाए हुए, पहले तो भी चैनल था मेरा लेकिन वो चैनल मेरा डिलीट हो चुका है कुछ गलतियों वजह से, क्योंकि YouTube पे गाइडलाइंस जो फॉलो नहीं करता है, तो YouTube क्या करता है इस टैग भेज देता है, इस टैग पे इस टैग आने के बाद चैनल को डिलीट कर देता है, तो मेरा चैनल 2 बार डिलीट, 3 चैनल मेरे डिलीट हो चुके हैं। तो इस चैनल पे मैं ख़तरा लेना चाहता मैंने, तो इसीलिए मैं आप चैनल को जरूर चैनल को सपोर्ट कीजिए। और भाइयों मुझे YouTube के ऊपर मुझे 3 से 4 साल हो गए काम करते हुए, तो मुझे YouTube के बारे में
बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुका है। अगर आप नए यूट्यूबर हो तो आप प्लीज़ ऐसी वैसी वीडियो ना गिरे ताकि आपकी मेहनत पे पानी फिर जाए। तो अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ कि यूट्यूब पे क्या करने से क्या होता है, क्या करने से हमारा नुकसान प्रॉब्लम क्या आती है, गाइडलाइंस के फॉलो कैसे करते हैं, तो आप चाहते हो तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ये गलती ना दोहराएं और आपका चैनल डिलीट ना हो और आपका चैनल सेफ रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो वीडियो आपके में समझाया, मैं बताने में अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और ऐसी वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, टाटा बाय बाय।